मैंने बनाया है पनीर चीज़ कचौड़ी जो कि बहुत ही टेस्टी है। सूजी से बनी हुई ये कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और माउथ मेल्टिंग है और इसे आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स दोनों टाइम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पनीर चीज़ कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालते हैं एक गिलास पानी और पानी को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी बिल्कुल बॉयल होने लगा है तो इसमें हम डालते हैं एक कप सूजी, साथ ही साथ इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं। हाफ टी स्पून के करीब जीरा डालेंगे, 1/4 टी स्पून अजवाइन डालते हैं, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालते हैं लगभग हाफ टी स्पून और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल डो जैसा ना हो जाए। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं ये मिक्सचर बिल्कुल डो जैसा हो गया है और जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा सूजी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम स्टफिंग भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो पनीर चीज़ कचौड़ी बनाने के लिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पनीर जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में और यहाँ पे स्टफिंग में बहुत सिंपल बनाऊँगी क्योंकि मैंने सूजी में भी थोड़े से मसाले डाले हैं तो ये स्टफिंग सिंपल रहेगी तो खाने में अच्छी लगेगी। तो इसमें अब हम डालते हैं मोज़रेला चीज़, हम लगभग 1/2 कप मोज़रेला चीज़ डालेंगे और लगभग 1/2 कप हम अमूल चीज़ भी डाल देते हैं, प्रोसेस चीज़ डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे हम और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालते हैं थोड़ा सा क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है तो इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे और स्टफिंग को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी पनीर चीज़ स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है और चलिए अब इसे हम स्टफ़ करते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए ये सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है और अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि मिक्सचर चिपकेगा नहीं कचौड़ी बनाते समय। और अब हम लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में, इतना बड़ा पोर्शन हम अपने हाथ में लेंगे और इसे हाथ में हम बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेते हैं। रोल करके हम इसे फ्लैट कर लेंगे और फिर हम बीच में रखते हैं स्टफिंग, पनीर और चीज़ का स्टफिंग हम सेंटर में रखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है। तो इस तरीके से मैंने स्टफ़ कर लिया है और अब हम चारों ओर से इसे सील कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टफिंग है इसे हम निकाल देंगे और सील करके हम फिर से इसे राउंड शेप देंगे। तो ये एक कचौड़ी रेडी है और बाकी सभी हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बार में 6 पीस बना लिया है और बाकी सभी मिक्सचर से हम ऐसे ही कचौड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसे हम डालते हैं गर्म तेल में। हम एक बार में 4 कचौड़ी डालते हैं और इसे हम फ्राई होने देते हैं। अभी हमें इसे टच नहीं करना है नहीं तो ये फट सकती है और हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो कचौड़ियाँ फट जाएंगी। तो फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई होना चाहिए, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा पलटते हैं, हम उलट पलट कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाएँ। ये कचौड़ियाँ बिल्कुल फ्राई हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और अब इसे हम तेल से बाहर निकालते हैं। हम इन कचौड़ियों को निकालते हैं टिश्यू पेपर पे और बाकी सभी कचौड़ियाँ ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।